हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फॉर चैनल यूपीएससी फॉर यू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी की बुक लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ आप जो है यूपीएससी की बुक लिस्ट पर एक वीडियो बनाइए कि कौन कौन सी बुक जो है वो बेस्ट है हमारे लिए। दोस्तों, मैं किसी भी बुक को जो है गलत नहीं बता रहा हूँ कि वो आपके लिए बेस्ट नहीं है या ये बुक आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, आपको जो भी बुक अच्छी लगे, ठीक है, आप मेरे कहने से या किसी के भी कहने से उस बुक्स को अगर जो पढ़ते हैं, बिकॉज हाँ, ये अलग बात है कि जो टॉपर लोगों ने पढ़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय टॉपर्स, ठीक है दोस्तों। इसलिए जो टॉपर्स लोगों ने सुझाव की दिया है कि ये बुक पढ़नी चाहिए, ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए, तो वो बेस्ट है, ठीक है। और मान लीजिए अगर जो आप बात किसी की मानते भी हैं कि भाई मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, तुम भी ये बुक पढ़ो, बाई चांस आपको उसका कंटेंट नहीं समझ में आता है तो आपके लिए दिक्कत जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, जो फर्स्ट बुक है पॉलिटी, इसका जैसे ही नाम आता है पॉलिटी का, बस तुरंत नाम आ जाता है लक्ष्मीकांत जी का, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। दोस्तों, इसका अगर जो कवर पेज हम देखेंगे, अगर जो आप बुक को लेना चाहेंगे तो कवर पेज इसका ऐसा दिखता है, तो आई होप कि बहुत ही बेस्ट बुक है सच में। दोस्तों, फिलहाल मेरे हिसाब से इंडियन पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको जो है बताया है इसमें। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिंक भी दे दिया, अगर जो आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो ये इंग्लिश का लिंक है और ये हिंदी का लिंक है। आप इसी पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट अमेजोन की साइट पर पहुँच जाएंगे, आपको वहाँ से भी ये बुक जो है प्रोवाइड हो जाएगी। दोस्तों, अगर जो नेक्स्ट बुक की हम बात करें तो वो आता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमी। दोस्तों, इकोनॉमी की अगर जो बात करें तो नाम आता है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। दोस्तों, बहुत ही बेस्ट बुक है, ज़्यादातर टॉपर्स ने इसी बुक को पढ़ा है। और इसके कवर पेज की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी ये कुछ ऐसी दिखेगी, रमेश सिंह जी के द्वारा जो है ये रिटर्न है। और दोस्तों, अगर बात करें फिर इसके अलावा जो है आप murnal.org के आर्टिकल्स भी देख सकते हैं, जो इकोनॉमी पे जो है बहुत ही बेस्ट आर्टिकल्स हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जो बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, इसके लिए एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिगर्स बात करें इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, एनसीईआरटी क्लास जो है 11th की बुक आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर इकोनॉमी सर्वे अगर जो बात करें तो इसके लिए आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, ठीक है दोस्तों, ये जो है मिल्स के लिए। और फिर उसके बाद द हिंदू में जो है एक आर्टिकल निकलता है इकोनॉमिक्स का, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। और फिर दोस्तों, हर जगह मैंने इसी को रखा है कि इंटरनेट फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आजकल इंटरनेट पे सारी चीज़ जो है प्रोवाइड आपको है, ठीक है, तो आप जो है उस पर ही देख सकते हैं, जैसे अर्थपीडिया हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब तो बेस्ट है। और फिर अगर बात करें एंशेंट हिस्ट्री की, दोस्तों एंशेंट हिस्ट्री की अगर बात करें बहुत ही बेस्ट है ओल्ड एनसीईआरटी बाई RS शर्मा। दोस्तों, ये जो है बुक का नाम है ओल्ड एनसीईआरटी बाई RS शर्मा। और इसका जो थंबनेल अगर जो देखें कवर पेज, तो इंडियंस एनिसेंट पास्ट ये करके इस बुक का नाम है, और ये जो है RS शर्मा द्वारा जो है रचित है, रिटर्न की गई है। फिर उसके बाद बात आती है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। दोस्तों, ये भी जो है ओल्ड एनसीईआरटी बाई सतीश चंद्र जी के द्वारा ये जो है रिटर्न है। और इसका जो अगर जो कवर पेज की बात करें तो ये ऐसा होगा, बिकॉज दोस्तों कवर पेज मैंने इसलिए लगा रखे हैं कि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज इसके कई पार्ट निकलते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री, दोस्तों अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की जो है बुक निकलती है, बहुत ही बेस्ट है। और इसका कवर पेज की अगर बात करें तो ऐसी होगी। दोस्तों, आपको इसका लिंक जो है, ये जो PDF है मैंने क्रिएट किया है बुक लिस्ट का, तो आपको नीचे मिल जाएगा, इसको डाउनलोड जो कर लीजिएगा। फिर आता है इंडियन हिस्टिकल्स फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा जी की, तो बहुत ही अच्छी बुक है, इंडिया हिस्टिकल फॉर इंडिपेंडेंस करके बुक का नाम है, वो बिपिन चंद्रा जी के द्वारा रचित है। और फिगर्स बात करें तो NCERT बाई बिपिन चंद्रा, और ये जो है बहुत ही जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत ही उपयोगी बुक है। फिगर्स बात करें इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है दोस्तों, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बहुत ही रोल मॉडल ही है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो भी सब्जेक्ट है अपने लिए UPSC के लिए। तो इनके लिए क्या है कि एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11th NCERT। दोस्तों, ये जो है लेसन है पूरा एक, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। चैप्टर्स रिलेटेड टू कल्चर इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया NCERTs, जो भी जो है आपके एंशिएंट और मिडिवल से रिलेटेड जो NCERT के चैप्टर्स हैं आप उनको भी पढ़ सकते हैं। सेंटर
फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग जो है CCRT मटेरियल जो है इसका आप देख सकते हैं, आपको ये नेट पे भी प्रोवाइड हो जाएगा। हेरिटेज क्राफ्ट्स लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया NCERT जो है इसका भी दोस्तों चैप्टर है। NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, अगर जो आप 6 से लेके अगर जो आपने 12 तक की जो है रीडिंग की है तो बहुत ही अच्छी है। फिर बात आती है इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, दोस्तों ये जो है शंकर IAS बुक, ज़्यादातर तो लोगों ने दोस्तों अनुदीप जी ने भी जो है इसी से तैयारी की थी, टीना दाबी जी ने भी इसी से तैयारी की थी, बहुत ही अच्छी है शंकर IAS बुक आपको मिल जाएगी। फिर आता है जनरल साइंस के बारे में, तो जनरल साइंस बुक्स की अगर बात करें तो 9th और 10th की स्टैंडर्ड की जो है बुक पढ़ सकते हैं NCERT की, क्योंकि ज़्यादा इसमें जो है नहीं पूछा जाता है, बट मॉडल है इसका भी अपना जगह पर रोल है। द हिंदू के जो है आप नोट्स पढ़ सकते हैं और यूट्यूब से भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर डिस्कस करें तो जियोग्राफी का आता है, दोस्तों ये जो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, ये जो है दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, NCERT की बुक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है दोस्तों ये भी आप पढ़ सकते हैं, 11th की बुक है NCERT की। और दोस्तों हर जगह जो है अगर जो आपने NCERT सही तरीके से पढ़ी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो है दोस्तों पूरा जो है दिया हुआ है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स भी पढ़नी होती है तो इसके लिए जो है दोस्तों दृष्टि का भी निकलता है, विजन आईज का भी निकलता है, और यूट्यूब पे आजकल जो है वीडियो बनने लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो है वीडियो आपको मिल जाते हैं। तो ये जो है पूरा फिलहाल इन्होंने जो यहाँ पे दे रखा है वो है वेबसाइट सिविल्स डेली करके, वेबसाइट का नाम है तो आप इस पर विजिट कर सकते हैं, सिविल्स डेली करके नाम है। तो वो जो है अपना आर्टिकल्स पोस्ट करते रहते हैं, और बाकी जो है जनरल ट्रिविया है, ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, और बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी आप जो है प्रोवाइड ये लोग कराते रहते हैं। और बाकी जो कोचिंग मटेरियल है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, और बाकी मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ। फिर अगर जो बात करें करंट अफेयर्स की, ये बहुत लोगों के अंदर सवाल होता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करें, द हिंदू सिविल्स डेली वेबसाइट है, फ्रॉम IAS ये भी जो है वेबसाइट है, नेक्स्ट एग्ज़ाम दोस्तों इसमें मैंने जोड़ा है, ये यूट्यूब चैनल है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर उन्होंने क्रॉस कर लिए है NJ SRC जी। दोस्तों नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर जो आप पढ़ते हैं मतलब कि देखते हैं उसका वीडियो तो बहुत ही बेस्ट है मेरे हिसाब से, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यही है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं।